1 जून 2002 को क्रिकेट जगत के एक बड़े हादसे का चश्मदीद बना। आज के ही दिन 16 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हांसी क्रोनिये विमान हादसे में खत्म हो गए। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी केप के एक शहर जॉर्ज के पास ये दुर्घटना हुई थी। उनकी जिंदगी एक गुत्थी की तरह रही जिसकी वजह सामने नहीं आई। हालांकि 2 साल पहले वो मैच फिक्सिंग में फंस कर अपना क्रिकेट करियर तबाह कर चुके थे। साल 2000 को विश्व क्रिकेट का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इसी साल क्रिकेट में फिक्सिंग के पहले सबसे बड़े खुलासे से क्रिकेट की दुनिया में हड़कंप मच गया था। दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन कप्तान हांसी क्रोनिये इस काले अध्याय के पहले विलन थे। 11 अप्रैल 2000 को क्रोनिये ने कबूल किया था कि फिक्सिंग में उनकी बड़ी भूमिका थी। शुरुआती अप्रैल में क्रोनिये ने फिक्सिंग से जुड़े होने की रिपोर्ट भारत से उभरी थी जो ज्यादातर फोन पर बातचीत से जुड़ी थी, लेकिन क्रोनिये फिक्सिंग के आरोपों को गलत बताते रहे। क्रिकेट जगत में क्रोनिये का बड़ा सम्मान था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वाकई ये अफ्रीकी धुरंधर ऐसा भी कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के MD अली बेचर को भी क्रोनिये की ईमानदारी पर भरोसा था, लेकिन आरोप के 4 दिन बाद ही क्रोनिये ने सुबह 3 बजे बेचर को फोन कर कबूल किया था कि मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं हूं। आखिरकार क्रोनिये से कप्तानी छीन ली गई। बाद में सरकार द्वारा नियुक्त किंग कमीशन ने क्रोनिये को असली दागदार साबित कर दिया। क्रिकेट से दूर क्रोनिये जोहानिसबर्ग की एक कंपनी के लिए एक वित्तीय प्रबंधक के तौर पर उन्होंने अपना नया काम शुरू किया था, लेकिन इसी बीच विमान हादसे में उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उसी वक्त क्रोनिये महज 32 साल 26 महीने के थे। 2000 से अधिक लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। क्रोनिये ने 68 टेस्ट और 188 वनडे खेले। 53 टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की, जो ग्रीम स्मिथ के बाद सर्वाधिक है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।